ओम श्री गणेश नमः दोस्तों, ओम गणपति समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 25 नवंबर गुरुवार आज के कुंभ राशि फल के बारे में। आज के दिन इनको किन चीजों से फायदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और व्यवसाय कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नई नई महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपकी राशि वालों का आज का दिन। दोस्तों आज का दिन आर्थिक दृष्टि से बहुत ही शुभ रहेगा, सीखने की ललक को बनाए रखें, भविष्य के लिए यह बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं तो प्लानिंग करना शुभ रहेगा। साथ ही हार्डवेयर के कारोबारी मुनाफे के लिए सजग रहें, स्टॉक मेंटेन करते समय ग्राहकों की पसंद को भी प्राथमिकता दें। युवा मित्रों के साथ कैरियर को लेकर सार्थक बातचीत करेंगे और यदि गलत संगति में है तो उसे तत्काल छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प लेना भविष्य के लिए उत्तम रहेगा और अपनी दिनचर्या को नियमित बनाए रखें। आज ग्रह गोचर आपके लिए भाग्योदय स्थितियां बना रहा है, साथ ही रुके कार्यों में गति आएगी और सामाजिक मान सम्मान प्राप्त होने से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी नेगेटिव बातों के बारे में। आज घर परिवार और संतान के प्रति चिंता उत्पन्न हो सकती है, साथ ही आमदनी अच्छी होने के साथ साथ खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है, अतः जरूरी बजट बनाकर चलना जरूरी होगा। साथ ही क्रोध और अपनी ईगो पर भी नियंत्रण रखना होगा, इससे परिस्थितियां आपके अनुकूल बनी रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। आज व्यवसाय और नौकरी में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है और आप इसमें सफल भी रहेंगे। आपकी योग्यता और काबिलियत खुलकर लोगों के सामने आएगी, साथ ही जनसंपर्क आपके लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होगा, इसलिए अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहें। घर के बड़े बुजुर्ग आपके पथ प्रदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होंगे और व्यवसाय में अधिक सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा, प्रेम संबंधों में नजदीकी आएंगी, जीवन साथी का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा, कोई आपसी अनबन समाप्त होगी, इससे आपकी स्थिति और रिश्ते पहले से काफी बेहतर और मजबूत हो जाएंगे और साथ ही परिवारजनों के सहयोग से आप अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे जिसकी वजह से आपको काफी मानसिक शांति मिलेगी। साथ ही जीवन साथी व परिवार के साथ शॉपिंग और मौज मस्ती में समय व्यतीत होगा जिसकी वजह से वातावरण खुशनुमा रहेगा। प्रेम संबंधों को लेकर पारिवारिक सहमति मिलने से और अधिक प्रगाढ़ता आएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य से संबंधित कोई पुरानी समस्या उत्पन्न हो सकती है जैसे स्किन एलर्जी या अस्थमा, इसलिए अभी से जागरूक रहें और मौसम परिवर्तन से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाव रखें। इसके लिए आप रोजाना योग करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें और स्वस्थ रहें। दोस्तों आज आप ये उपाय अवश्य करें, किसी गौमाता को रोटी खिलाएं और नारियल और मिश्री का प्रसाद बांटें। इसी के साथ 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों इस प्रकार उपाय करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। कमेंट में जय विष्णु अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।